श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का ये पंचम दिवस भगवान की बाल लीलाओं से परिपूर्ण है। जैसे कल की कथा के माध्यम से नंद के लाला हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन में आकर के नंद के लाला ने सच्चिदानंद घन भगवान ने हमें आनंद प्रदान किया, क्योंकि भगवान सतचित आनंद है। और अब चूंकि हमारे जीवन में आ चुके हैं तो अनेकों प्रकार की बाल्यावस्था में भगवान लीलाओं के माध्यम से हमें परम आह्लाद प्रदान करने वाले हैं। नेमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। माँ भगवती गंगा के परम पावन तट शुक्र ताल में श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं और श्री गंगा जी के ही तट पर श्री हरिद्वार में सनकादि जी विराजमान हैं। तो जो कथा वहां पर हो रही है वही कथा यहां मैनपुरी में इस नारायण निवास में श्री मन नारायण की ही कथा हो रही है। तो प्रेम से बोलो राधे। श्री सुखदेव जी महाराज नंदोत्सव का बड़ा ही दिव्य अलौकिक वर्णन कर रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहला दो महामना नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहला दो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचेरलंकृत वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिव पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौम्भाम्बरावृतान् सातकौम्भाम्बरावृतान् नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कारगोधनम् सूत
उत्तमा। श्री राधे श्री राधे नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम् सूतमागधवंदिभ्यो ये ने विद्योपजीविनः ये ने विद्योपजीविनः। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातह लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातह सुचिर लंकृत वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्म जस्य वै कारयामास विधिवत पित्री देवार्चनम तथा। धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ शात कौंभांब रावृतान। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आज नंद भवन में आनंद हो गया है। आज नंद के यहाँ सच्चिदानंद घन परम पिता परमेश्वर लाला बनकर के आए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पहले जो हमारे नंद बाबा का मन छोटा हो जाया करता था, जब भी बाबा नंद भवन से अपने महल से अपने घर से कहीं बाहर जाया करते थे और यदि कोई पूछ ले बोले बाबा विवाह हुए तो 20 से 25 वर्ष हो गए, तो अब तो बाबा तुम पे केव लाला लाली है गए होंगे। तो नंद बाबा के पास कोई जवाब नहीं है। तो नंद बाबा बिना जवाब दिए ही और आंखें झुका लेते हैं, सिर नीचा कर लेते हैं और बाबा का मन जो विशाल है लेकिन फिर भी जब कोई ऐसी बात करता है तो बाबा का मन छोटा हो जाया करता है। तो आज चूंकि भगवान का अवतरण हो गया है, आज चूंकि नंद के लाला आ गए हैं, इसलिए जातह लादो महामना। आज हमारे नंद बाबा के मन में हृदय में इतना आह्लाद है, इतना आनंद है कि आज हमारे नंद बाबा का मन विशाल हो गया है। इतना बड़ा विशाल हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो जब हमारा मन विशाल होता है, जब हमारा दिल बड़ा हो जाता है, तभी वास्तव में हम दान धर्म इत्यादि कर पाते हैं। तो आज नंद बाबा का मन इतना महान इतना विशाल हो गया तो नंद बाबा ने अपने माल से भरे हुए सारे भंडार खोल दिए और नंद बाबा ने कह दिया कि आओ भैया ब्रजवासियों आओ और जिसको जो चाहिए बस लूट करके ले जाओ। तो देखो हम अपने
धन के भंडार या लुटाते हम तभी हैं जब हमारा मन जो है विशाल हो जाए। कहते न कि लुटाने के लिए, दान देने के लिए, किसी को खिलाने पिलाने के लिए, किसी की मदद करने के लिए दिल जो है कैसा होना चाहिए? बड़ा। ऐसा तो नहीं कहते कि दिल छोटा होना चाहिए। तो छोटे दिल से ये सारे कार्य नहीं होते, इसलिए दिल जो है बड़ा होना चाहिए, मन हमारा जो है महान होना चाहिए। आज हमारे नंद बाबा का मन इतना विशाल हो गया कि सारे ब्रजवासी ऐसे ही लूट करके ले जा रहे हैं, जैसे आप लोगों ने कल नंदोत्सव का आनंद लेते हुए न जाने कितने खिलौने लूटे, न जाने कितने फल फ्रूट टॉफी इत्यादि प्रसाद के रूप में लूटे। तो इसलिए नहीं लूटे कि तुम्हारे पास कोई कमी है, तुम भूखे हो, तुम नंगे हो, तुम दरिद्र हो, धनहीन हो, इसलिए नहीं लूटे, बल्कि इसलिए लूटे कि आज नंद के लाला का जन्म हुआ है, साक्षात लक्ष्मी पति का अवतरण हुआ है और भगवान के जन्म की खुशी में प्रसाद के रूप में यदि एक टॉफी भी हमारे पल्ले पड़ गई तो हमारे जीवन में आनंद हो जाएगा, हमारा भाग्य ही बदल जाएगा। तो प्रेम से बोलो राधे। तो नंद बाबा ने खूब लुटाया। तो देखो, लुटाने से कभी धन कम नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो नंद बाबा क्यों लुटाते? ब्रजवासी बेचारे लूट लूट करके हार गए, थक गए, पछाड़ खा गए, लेकिन नंद बाबा का खजाना, नंद बाबा के धन से भरे हुए कोठे खाली नहीं हुए, क्योंकि ये कोई साधारण लाला का जन्मोत्सव नहीं है, ये कोई साधारण लाला का उत्सव नहीं है, ये तो हमारे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पाल की। ज्वानन को लड्डू पेड़ा और बूढ़े न को लापसी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो देखो, नंद के यहाँ आनंद हुआ है। नंद बाबा ने जितने साधु संत ब्राह्मण बुलाए हैं, उन सभी साधु संत ब्राह्मणों से आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत यज्ञ करवाया, हवन करवाया, जात कर्म संस्कार करवाया और फिर उनके सम्मान में अनेकों प्रकार के अलंकारों से उन सभी संत ब्राह्मणों को विभूषित करके नंद बाबा ने चरण पूज करके और सबको संतुष्ट तुष्ट पुष्ट करके वहां से हाथ जोड़ करके विदा किया। धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते। बहुत महंगी महंगी वाली गैया जिनके सींग सोने से मढ़वाए गए, पैरों में भी सोना चांदी लगवाया गया और बड़ी सुंदर सजा करके नंद बाबा ने दान करी। अनेकों अलंकारों से संत और ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। क्यों? क्योंकि आज हमारे नंद बाबा का मन जो है बहुत ही विशाल हो गया है। तो देखो, हम भी अपने जीवन में अपना मन विशाल बनाएं, क्योंकि हमारे पास भी भगवान ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। और फिर भी यदि हम ऐसा सोचते रहें कि हमारे पास में कमी है तो फिर सोचते रहें, ऐसा सोचने से हमारा पेट या हमारी तृष्णा कभी कम नहीं होती और ना ही कभी पेट भरता है।
इसलिए